नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली गोपालपुर विधानसभा सीट से विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर विवादित बयान देते हुए नजर आए हैं। गोपाल मंडल अपने तेज तर्रार और अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे विवादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, कई ऐसे विवादित बयान देते हुए नजर आए, जिसके चलते खुद की पार्टी ही मुश्किलों में आती हुई दिखाई दी। अब विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से गोपाल मंडल के विवादित बयान अब सुर्खियों में बन रहे हैं। इस कवायद में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गोपाल मंडल नजर आए। ये वही गोपाल मंडल है जो लोकसभा चुनाव के बीच में कह रहे थे कि भागलपुर की टिकट तो मेरी पॉकेट में है और नीतीश कुमार ये सीट तो मुझे ही देंगे चुनाव लड़ने के लिए। गोपाल मंडल वही हैं जो दावा करते हैं जब अजय मंडल को यहाँ से चुनावी मैदान में नीतीश कुमार उतार देते हैं, उनका कहना होता है कि पॉकेट तो फट गई, कोई चोरी करके ले गया टिकट। ये बयान गोपाल मंडल के थे, उस दौरान इन्हें मजाकिया अंदाज में लिया गया, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल अब गोपाल मंडल भरे मंच से करते हुए नजर आ रहे हैं, अब उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। दरअसल गोपाल मंडल गोपालपुर में JDU पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान कुछ शब्दों का इस्तेमाल भागलपुर से सांसद अजय मंडल और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल के खिलाफ कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। गोपाल मंडल ने जहां अजय मंडल को काला नाग, बुलो मंडल को वहां पर कोबरा सांप कह दिया। बुलो मंडल को ये कहते हुए भी नजर आए कि जब वो दुश्मनों की चपेट में आए थे, जब कई ऐसे यहाँ पर लोग थे जो उनके खिलाफ थे, उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान मैंने मदद की, मैंने उन लोगों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद मैंने इस पर एनकाउंटर लिखवा दिया। इतना ही नहीं, अजय मंडल को लेकर वो ये कहते हैं कि अजय मंडल के पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ियों के जरिए वो धंधा चलाते हैं। यहाँ पर आरोप लगाते हैं कि गलत काम करते हैं, उनके घर में लाखों की संख्या में रुपए मौजूद होते हैं, वो आपका काम कभी नहीं करेंगे। और क्या कुछ गोपाल मंडल कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। उम्मीद मत पालिए, पालिए गोपाल मंडल से, पालिए इंजीनियर से, जो काम हम फाइटर आदमी, अगर धरा जाए बात करते मुंडा छोड़ के जाएगा, समझ जाना। बुलवा सब बोलता है कोई मुहिम थामना क्या, उस आदमी का राष्ट्रीय अभी पिछड़ा का राष्ट्रीय ध्वज बना, जो किस बार हम बने, हम सचेतक बन गए, हमको ये सब कोई नहीं सम्मान किया। अब बुलवा मंडल तो पिछड़ा का बन के आया है, तो हमारे पार्टी का लोग वीरेंद्र सिंह उसके तीन का लोग गमछा ओढ़ आ रहा है, तुमने घर में जाके माला पहना, दुबली दुबली लेकर तुमने बोल दी, वो मार्च से बन गया, चलो देखो पता चला किया। इनका दुनिया भर 200 गाड़ी चलता है, 1500 गाड़ी लेता है, 3 लाख पर डे इसके घर में घुसता है, MTPC कोयला अपना ये सब लेके 5 लाख पर डे इसके घर में घुसता है, पैसे का कमी है, कहाँ संसाधन आपको है, अपना तो मार्केट जाहिर है सबसे संसाधन के, और हम बोले अजय मंडल भाई को भैया के संसाधन जितना प्रखंड अध्यक्ष है, सबों को गाड़ी दीजिए, सबों को खर्चा पानी दीजिए, पंचायत अध्यक्ष को रुपया पैसा दीजिए, सबको दीजिए। गोपाल मंडल के इन शब्दों के बाद अब यही कहा जा रहा है, या तो पार्टी से निष्कासित किए जा सकते हैं या फिर एक कानूनी कार्यवाही में फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अपनी ही पार्टी के इन दो नेताओं पर आरोप लगाते हुए गोपाल मंडल नजर आए, विवादित बयान देते हुए नजर आए, अपनी ही पार्टी को घेरना। आखिरकार कब तक नीतीश कुमार शांत रहेंगे, देखना होगा गोपाल मंडल पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि गोपाल मंडल अब ज्यादा सुर्खियों में बन रहे हैं, और इनके बयान क्या वाकई विवादित होते हैं, और इन बयानों के चलते क्या पार्टी खुद ही खतरे में आ जाती है, क्या लगता है आपको, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।